प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की शीट है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर ये एक क्वेश्चन है, कार वेज 1800 kg। तो एक कार है 1800 kg इसका वेट है और सेंटर पे सेंटर मास होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एक्सेल्स इज 1.8 meter, कार के आगे और पीछे डिस्टेंस 1.8 meter है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे होते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर मास पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर वेट पड़ा हुआ है। भाई वेट तो वहीं पड़ा होगा जहां मास पड़ा होगा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट है। तो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.05 मीटर है बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, पॉइंट 1.05 है, टोटल डिस्टेंस 1.8 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 0.75 है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर टोटल वेट पड़ा हुआ है, तो टोटल वेट यहां पर पड़ा हुआ और ये डिस्टेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील। ईच फ्रंट व्हील को अंडरलाइन कर लेना, बताता हूं क्यों। कार के का अगला हिस्सा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है NF फ्रंट, और पिछला हिस्सा कार का नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा है, NB ग्राउंड, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है पीछे और आगे। क्लियर है, कार ना तो उड़ेगी ऊपर नीचे, ना ही ये ऐसे घूमेगी, यानी कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस बाय नीचे की फोर्सेस। तो ऊपर की फोर्सेस क्या है, NF और NB का सम किसके इक्वल है, वेट W के इक्वल है। एक इक्वेशन NA और NB की एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के अबाउट, NF into 1.05 is equal to NB into 0.75, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और NB से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने इक्वेट कर लेना है। दूसरी क्वेश्चन, तो यहां से आप n ऑफ b की वैल्यू निकाल लें, 17640 माइनस nf यहां पुट करें, सॉल्व करें, nf आएगा, nf आएगा तो nb भी आएगा। तो आपको कार के आगे और पीछे नॉर्मल रिएक्शन पता लग गए, पर उसने क्वेश्चन में पूछा एक व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, कितने व्हील्स होते हैं कार के आगे, दो। तो ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन है आगे का, इसको दो से डिवाइड करके पर व्हील आएगा, और पीछे का नॉर्मल रिएक्शन को दो से डिवाइड करेंगे पर व्हील आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो दो से एंड में डिवाइड भी करना है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो ये वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी नाइफ वाली प्रॉब्लम्स की थी, सेम कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कितने लोगों ने ट्राई की असाइनमेंट, किया ट्राई, हो गया था क्वेश्चन, नहीं कोई बात, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ये टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, एक टेबल पे पड़ा हुआ है, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो है ये टी शेप्ड, ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ एक्चुअल में, ये टेबल के ऊपर ऐसे पड़ा है और टॉप व्यू दिखा रहे हैं इसका, तो ये ऐसे पड़ा है। वो कह रहा है कि मैं फोर्स लगाना चाहता हूं इस पे, मैं कहां लगाऊं, पॉइंट बताओ मैं कहां लगाऊं ताकि ये घूमे ना। देखो मैंने यहां फोर्स लगाई ये घूम गया, मैंने यहां लगाई ये घूम गया, पर अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा तो ये ट्रांसलेशन में आएगा, ये घूमेगा नहीं। चेक कर लेना, अगर आप एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां फोर्स लगाओगे, जब ये रोटेशन शो नहीं करेगा, ये ट्रांसलेशन शो करेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या ढूंढना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ताकि ये ट्रांसलेशन में रहे, रोटेशन में ना रहे। तो इसमें तो ये पता नहीं क्या कुछ गिवन है, मैंने इजी क्वेश्चन से तरीके से किया है। और क्या तरीका है, मैंने ऐसे किया कि मुझे इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। मैंने इसको दो बॉडीज ले ली, ये ऊपर वाली एक और नीचे वाली दो। ऊपर वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास इस टी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ऊपर वाली का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, नीचे वाली का निकाल लेते हैं, फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो टी का सेंटर ऑफ मास आएगा, वो भी ढूंढना है। तो मुझे ये पता है इस क्वेश्चन के अंदर, और ढूंढना कहां से है, विद रिस्पेक्ट टू उसने क्या बोला, सी, डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम सी। तो ये बताओ कि जो ऊपर वाली बॉडी है, अगर उसका मास एम है और लेंथ एल है,
नीचे वाली बॉडी की लेंथ 2L है तो मास कितना होगा? 2m। L है तो m है, 2L है तो 2m है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ इसके अंदर जो ऊपर वाली बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पे, ठीक है। तो इसका मास क्या है? m। और इसके सेंटर से यहां से दूरी कितनी है? 2L। ऊपर वाली बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है? 2L। और ये बताओ जो नीचे वाली बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पे। और डिस्टेंस क्या होगा यहां से? L। जो वर्टिकल वाली वायर है या रॉड है उसका मास तो 2m है और डिस्टेंस कितना है यहां से? L। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m1 y1, m2 y2 बाय m1 प्लस m2। जो m पोर्शन है ऊपर वाला इसकी लेंथ कितनी है? 2l। और जो 2m पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी है? L। तो m1 y1, m2 y2 बाय m1 प्लस m2, एक ही गो में आंसर आएगा 4l/3 इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आया कि कैसे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है पूरे इस बॉडी का? क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस आंसर आ रहा है जबकि सिंगल चॉइस आंसर्स होते हैं। मेथड डिस्कस कर देता हूं। मल्टीपल चॉइस नीट में तो आता नहीं, एनसीईआरटी में आएगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर देख लो। आएगा तो सिंगल चॉइस करके देंगे। वो क्वेश्चन है एक लैडर है, लैडर की प्रॉब्लम है, लैडर ही होगी और वो मूव तो कभी भी करेगी नहीं, सबको पता है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम होने वाली है। इस लैडर ने थीटा एंगल बनाया इक्विलिब्रियम में। आपको ये गिवन है वॉल और लैडर में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन है। यहां पर फ्रिक्शन म्यू वन है और यहां पर फ्रिक्शन म्यू टू है। म्यू वन है और म्यू टू है, क्लियर है यहां तक? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज n1। तो दीवार नॉर्मल रिएक्शन n1 लगा रही है और फ्लोर n2 लगा रहा है। तो आपको ऑप्शन मैच करनी है कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो डायग्राम बनाए पहले। डायग्राम हमने ऐसा बनाया था क्लास में, ये लैडर यहां स्लिप हो सकती है तो फ्रिक्शन इधर और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वेट लैडर का नीचे, लेंथ लैडर की एल। तो अगर ये थीटा तो एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा, ऐसे करते थे हम। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन n1 और लैडर नीचे स्लिप हो सकती है तो इसकी फ्रिक्शन ऊपर। तो ऐसा डायग्राम हमने प्रिंसिपल मोमेंट की शीट में बनाया था, चेक कर लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स और ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो लेफ्ट की फोर्स क्या है? n1। इधर क्या है? μ2 n2। तो n1 इज इक्वल टू μ2 n2। ऊपर की फोर्स क्या है? N2। नीचे की फोर्स क्या है? mg। तो N2 इज इक्वल टू mg। कोई डाउट इसमें? तो दो इक्वेशंस आ गई यहां पर। समझ में आ रहे हैं यहां तक? अब हमेशा की तरह प्रिंसिपल मोमेंट लेते हैं और पॉइंट क्या लेते हैं? b। तो b पॉइंट के अबाउट टॉर्स निकालें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट कर दें। कैसे रूल सिखाया था? बी पॉइंट, ये जो रॉड है एक लाइन खींच लो, बॉर्डर लगा लो, इसके इस तरफ जो फोर्सेज हैं और इस तरफ जो फोर्सेस हैं उनका टॉर्क इक्वेट कर दो। तो इस N2 का टॉर्क क्या होएगा इस पॉइंट के अबाउट? जीरो। इस फ्रिक्शन का क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक्सिस पे ही फोर्सेस ऐड कर रही हैं, तो जीरो। mg का क्या होगा? mg इंटू एल कॉस थीटा का हाफ। एल कॉस थीटा का कितना? हाफ। तो mg इंटू एल कॉस थीटा का हाफ। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। n1 का क्या होगा? n1 का n1 इंटू दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है? l साइन थीटा। तो n1 इंटू l साइन थीटा। ये भी क्लियर है यहां तक? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या होगा? f इंटू l कॉस थीटा। तो इक्वेशन ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किए थे। तो लैडर के नीचे की फोर्सेस और ऊपर की फोर्सेस का टॉर्क इक्वेट कर देना है। तो करना क्या है उसके बाद? उसके बाद ना सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन देखनी है क्या है ऑप्शन। ऑप्शन में कहीं कहीं आपको ना μ1, देखो μ2 तो जीरो होगा ही नहीं, पक्का जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर μ2 जीरो का लैडर पक्का स्लिप हो जाएगी, तो μ2 तो नॉन जीरो होना ही होना है। हाँ, μ1 जीरो हो सकता है,
ना वो फ्रिक्शन तो भी टिकी रहेगी लैडर, जमीन पे फ्रिक्शन जरूरी है ना, फ्लोर पे होना हो, लेकिन हो भी सकती है। अब कुछ ऑप्शन में म्यू वन को क्या पुट किया हुआ है, जीरो। अच्छा सारी ऑप्शन में जीरो है, तो फिर मैं यहाँ का टॉर्क लेके हो रहा हूँ, जब ये एफ वन म्यू वन जीरो ही है ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका टॉर्क लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फोर सी क्या है, जीरो, और ये फोर जीरो है, इसका टॉर्क ही नहीं होगा। तो टॉर्क यानी कि किसका किसका होगा, टॉर्क इसका मतलब अगर मैं एक लाइन खींच लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो एक टॉर्क इसका होगा और इसका होगा और इसका होगा, इसका तो बिल्कुल भी नहीं, इसका भी नहीं होगा, जीरो है, तो एक इसका होगा और एक इसका होगा, दो बचे। तो मैंने यहाँ पर दोनों टॉर्क ले लिए, एक एम जी का और एक एन वन का, तो ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन आई तो ये देखो आंसर भी आ गया, एन वन टैन थीटा इज एम जी बाई टू। ऑप्शन साथ साथ देखनी है इसमें, ये कोई आंसर आ गया। हालांकि एडवांस की प्रॉब्लम है यहां तक नीट या मेंस तक आ सकती है, जो भी किया एडवांस वाले थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन चाह लेते हैं, और बच्चे कर लें, तो एडवांस वाले में कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं इनको इक्वेट कर दो, इस एन टू को उठा के यहां पुट कर दो, एन टू को उठा के यहां पुट कर दो, तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी म्यू वन और म्यू टू की। ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी बना हुआ है, एन वन की जगह वैल्यू पुट कर दो म्यू, ये एन वन है, म्यू वन ही एन वन, म्यू टू एन टू, सॉल्व करके आंसर आएगा। मतलब इसमें सिंप्लीफिकेशन है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जो मेन इक्वेशन है ना वो यहीं तक है। इसके बाद ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल है, देख देख के पुट करना पड़ेगा एडवांस में, मेन या नीट में एक ऑप्शन आ गया बस डन हो गया, क्लोज है, एनसीईआरटी में नहीं आएगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल मोमेंट का, बाकी तो कैलकुलेशन और आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप आंसर को कैसे ढूंढते हो, जैसे बाकी आसान है, बाकी में कुछ करना नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, हल्का सा, ज्यादा नहीं। एक लैडर है फिर से इक्विलिब्रियम में, सेम क्वेश्चन है, व्हाट टॉर्क इज अप्लाइड, यानी कि मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, अबाउट द लैडर, अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम अपना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जब निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, तो पॉइंट क्या लेते हैं, ये लेते हैं। वो कहते हैं अब ये नहीं लेना, क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास लेना है। अब टॉर्क आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ढूंढने हैं, वो कह रहा है। तो कितना टॉर्क लगेगा, कौन कौन लगा रहा है टॉर्क, नॉर्मल फोर्स एफ एन। तो यहां पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो कितना टॉर्क लगाएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये क्वेश्चन है। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, चेक करो, ये मेरी नॉर्मल फोर्स है एफ ऑफ एन, नॉर्मल फोर्स एन या एफ एन एक ही बात है, मैंने इसका टॉर्क निकाल लिया, लेकिन पॉइंट क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो टॉर्क होगा क्या, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब क्योंकि रॉड की लेंथ एल है, तो आधी लेंथ क्या है, एल बाई टू। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एल बाई टू, ये 90 माइनस थीटा, तो ये साइड क्या आएगी, एल बाई टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आंसर मार्क कर लेना। रोटेशन तो होनी नहीं, उसकी मर्जी है, वो अगर प्रिंसिपल मोमेंट निकालना चाहते हैं और सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना चाहते हैं, निकालना पड़ेगा आपको। हाँ ये इक्वेशंस के लिए ही है, होगी कि नहीं होगी बात अलग है, जो उसने पॉइंट दे दिया वहीं से ले लेना है। समझ में आ रहा है क्या करना है, थोड़ी सी कुछ ज्योमेट्री चेंज कर रहा है। अब याद करके नहीं पेपर में जा सकते ना, मैं लेटर वही सॉल्व करूंगा बाकी नहीं करूंगा, हल्का सा चेंज दे सकता है, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि चेंज कैसे लगाना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, ज्योमेट्री है या। ये देखो
क्वेश्चन है, एक लैडर जब गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? ये होगा, उछल के ऐसे जाएगा, लैडर ऐसे गिर रही है, सेंटर ऑफ मास बाहर आएगा? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता यार, सेंटर ऑफ मास लैडर के अंदर रहेगा, मतलब लैडर ऐसे जा रही हो फिर तो मानू भी, ये नहीं हो सकता। ये होगा, ये तब होगा जब सीधा नीचे गिरेगा, दीवार टूट जाएगी और ये सीधा ऐसे नीचे गिरेगा। दीवार तो टूटी नहीं ना, ये फिसल रहा है, जब फिसल रहा है तो ये पीछे हिलता जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो ना, फिसलेगी रॉड तो ऐसे गिरेगी ना, जब ऐसे गिरेगी सेंटर ऑफ मास तो लेफ्ट की तरफ आएगा ना, तो ये ऑप्शन है। ठीक है यहां तक? लो मान लो केबल धागा बांधना है और तीन सिचुएशन हैं, तो ये धागा कहाँ बांधे ताकि लैंप एकदम स्ट्रांग रहे, गिरे ना, टूटे ना, ये लैंप यहाँ बांधे, यहाँ बांधे या यहाँ बांधे केबल, ताकि सिस्टम स्टर्डी रहे। स्टर्डी का मतलब क्या है? मजबूत, मजबूत रहे। कहाँ बांधे? परपेंडिकुलर तो है ही, सारे परपेंडिकुलर हैं, बढ़ाना पड़ेगा, हाँ बढ़ाना पड़ेगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। देखो इसके अंदर ये अगर स्टिक टूट गई, वेट की वजह से टूटेगी, इसका टोटल वेट है नीचे लग रहे हैं, और क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन टी, तो टेंशन का जो टॉर्क है, और टूटेगी यहाँ से क्योंकि ये हिस्सा टूट जाएगा, निकल जाएगा इस पोल से, तो वेट का टॉर्क क्या है? एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तोड़ देगा। पर आपकी टेंशन कहाँ लगनी चाहिए? लेफ्ट। टेंशन का टॉर्क सबसे ज़्यादा तब होगा जब ये केबल सबसे ऊपर होगी, ताकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए और टेंशन का टॉर्क बढ़ जाए और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो। तो यहाँ केबल लगानी पड़ेगी ताकि टॉर्क इसमें मैक्सिमम हो, डिस्टेंस बढ़ा देना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये नाइफ वाली प्रॉब्लम है, ये डिस्कस नहीं किया मैंने, की नहीं, नाइफ वाली प्रॉब्लम ने ऑलरेडी की हुई है।